हरियाणा में तो आज चुनाव करवा लीजिए, उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। करने वाली कभी राम का नाम लेके, कभी बजरंग बली का नाम लेके तुम्हारी नैया पार नहीं लगेगी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है और इसी क्रम में फरीदाबाद की पूर्व में विधायक रही कुमारी शारदा राठौर ने आज बल्लभगढ़ बाजार में प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। मैडम, किस चीज को लेकर मार्च है आज का? ये हमारा मार्च महंगाई को लेकर है, क्योंकि पूरे देश में पिछले 8-9 सालों से कमर तोड़ महंगाई है, लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है, बच्चों का पढ़ाना मुश्किल हो गया है, बीमार की दवाई कराना मुश्किल हो गया है, और हर जरूरत की चीज़ पर GST लगाकर उस पर लोग इन भाजपा सरकार के लोगों ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है, और आए दिन कुछ ना कुछ टैक्स लगा देते हैं, लोगों की जेब पर ये लोग डाका डाल रहे हैं। ये एक अनुभवहीन सरकार है, ये झूठे वादे करके छदम राष्ट्रवाद के नाम पे विघटनकारी नीति को अपना के ये लोग सत्ता में आए, लेकिन असली मुद्दों से इनका ध्यान पूरी तरह भटक चुका है। जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, और ये लोग फाइलों में झूठे विकास के आंकड़े दिखाने में व्यस्त हुए पड़े हैं। कर्नाटक की जनता ने इनको इनका आईना दिखा दिया है कि अब झूठे वादे झूठे नारों पर राजनीति नहीं चलेगी, अब जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर राजनीति चलेगी, और जनता उसी को चुनेगी जो जन समस्याओं का निवारण करेगा। और अब इनको आईना दिख जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि जनता की समस्याओं का समाधान करें। हरियाणा में हर वर्ग के लोग ये मन बनाए बैठे हैं कि इस बार BJP सरकार को भगाना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है, और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भारी बहुमत के साथ बनेंगे। मार्च में काफ़ी भीड़ दिखाई दी, कर्नाटक के नतीजों से क्या जनता उत्साहित है? नहीं, जनता तो बहुत दिनों से त्रस्त है, लेकिन कर्नाटक के नतीजों ने जनता में उत्साह बढ़ा है, जोश भरा है कि अब असली मुद्दों की लड़ाई, असली मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, ताकि उनके जीवन स्तर सुधरे और उनकी समस्याओं का समाधान निकले। कार्यकर्ताओं में भी जोश है और जनता में भी जोश है, और ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। सिलेंडर लेकर थाली पीट कर प्रदर्शन हो रहा है, क्या मकसद रहा इसका? हम लोग इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को दिखाना चाहते हैं, कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं कि 8-9 साल गुजर चुके हैं, अब तो कम से कम जनता की सुध ले ले। तो ये जो आज प्रदर्शन हुआ है, क्या ये आगे भी जारी रहेंगे इस तरह के प्रदर्शन? ऐसा प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहेंगे, हर मुद्दे पे हमारी पार्टी सड़क से लेके विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति भवन तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे, और इन मुद्दों को लेकर ही कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है जो कर्नाटक में शुरुआत हुई है वो हरियाणा तक जारी रहेगी, क्योंकि अभी 1.5 साल का लंबा वक्त है हरियाणा के विधानसभा चुनाव? हरियाणा में तो आज चुनाव करवा लीजिए, उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे सत्ताधारी दल को? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अब भी जागो, अब भी विघटनकारी नीति को छोड़ के जनता के मुद्दों से जुड़कर राजनीति करो, जनता की दुख तकलीफ को दूर करो, तभी जनता तुम्हें माफ़ करेगी, अन्यथा 7 जन्म तक जनता तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। कभी राम का नाम लेके, कभी बजरंग बली का नाम लेके तुम्हारी नैया पार नहीं लगेगी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी कुमारी शारदा राठौर, जो बोल रही थी कि राम और बजरंग बली का नाम लेकर हर बार BJP जो है चुनाव नहीं जीत सकती, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जो कि जनता के मुद्दे हैं उस पर BJP को आना पड़ेगा। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।